दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम हील मैक सहस्त्रोपचार में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोवर। दर्शकों, आज हम एक ऐसे रोग को लेकर बात करेंगे जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति पीड़ित है, जिसके अगर आंकड़ों पर हम एक नजर डालें तो वर्ल्ड वाइड बिलियंस की संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस रोग से जूझ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। ये रोग है क्या, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, या आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि कार्यक्रम के पिछले कुछ अंकों में हम आपको इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। लेकिन क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या स्टेप्स आपको ऐसे लेने चाहिए ताकि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए, ये आज हम आपको बताएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आज का कार्यक्रम देखिएगा। तो आइए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के MD डॉक्टर राघव, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर साहब, बिल्कुल डायबिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो यूँ तो हम हमारे दर्शकों को पूर्ण जानकारी दे ही चुके हैं, पर ट्रीटमेंट के बारे में आज विशेष तौर पर हम चर्चा करना चाहते हैं। डायबिटीज का क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे डायबिटीज एक्चुअल में कंट्रोल में आए? बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी है। देखिए क्या है कि डायबिटीज के सैकड़ों सैकड़ों उपचार हैं, और आप देखेंगे हर पैथी में कोई ना कोई उसका उपचार है, सिर्फ कंट्रोल करने तक का उपचार है। डायबिटीज़ एक जो है मेडिकल लाइन के लिए भी एक बड़ा दुधारू गाय है, और लोगों के लिए जो है वो नुकसानदायक है। डायबिटीज़ के कारण आप देखेंगे कि मेडिकल जो है क्षेत्र में जो है बहुत कमाई इससे हो रही है। इन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है तरक्की, मतलब इसमें हॉस्पिटल्स की कमाई है और कंपनियों की बड़ी अच्छी कमाई है, दवाइयाँ खरबों खरब की बिकती हैं। हमारा जो है हील मैक्स क्लिनिक ने भी काफ़ी दवाइयों पे भी शोध किया, काफ़ी उपचारों पे शोध किया, लेकिन जो है आज तक किसी कंपनी को या मतलब किसी क्लिनिक को इसको जड़ से मिटाने में सफलता नहीं मिली। हमने जो है इसके लिए एक डायबाट्रॉन मशीन बनाई है, एक छोटी सी ये मशीन है। देखिए ये मशीन है डायबाट्रॉन, ये छोटी सी मशीन है, कभी आप सोचो बहुत बड़ी होगी, ये छोटी सी मशीन होती है। इसमें से वेव्स निकलती है जो कि आपके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये जो है बेहद ही इफेक्टिव है। इसमें जो है आप इसको यूज़ करेंगे, 20 मिनट में आप इसका रिजल्ट देखें। यानी कि क्या है कि आप मशीन लगाने से पहले शुगर चेक कीजिए, और मशीन हटाने के बाद आप 20 मिनट के बाद में आप जब चेक करेंगे आपको शुगर कंट्रोल होता नज़र आएगा। तो ये जो है एक इसको यूनिक एक रिसर्च हम कहेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। आपने सुना होगा कि भाई जो है कि डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है, डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये हमने गलत प्रमाणित किया है कि जो है कि डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। डायबिटीज़ क्योर होती है, आप डायबाट्रॉन यूज़ करेंगे इस मशीन से, ये छोटी सी मशीन है, आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, आप देखेंगे डायबिटीज़ जो है आपकी जो है 20 मिनट में ही कंट्रोल होना शुरू है। चाहे किसी की 400 जा रही है, चाहे 300 है, चाहे 500 है, आप इसको देखेंगे तो इसका जो है यूज़ भी आसान है। तो रहा क्योर की बात कि जैसे इसका क्योर वैसे दवाइयों से नहीं है, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊं कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी किसी में इसका क्योर नहीं है। डायबिटीज़ के लिए आप हजारों हजार दवाइयाँ देखते होंगे, वो जो है कंट्रोल कुछ हद तक कर सकती हैं। कई बार जो है जब डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं होती तो फिर डॉक्टर आपको इंसुलिन रिकमेंड करता है, जहाँ पे मैं देखता हूँ काफ़ी कंपनीज जो है काफ़ी कोई वैद्य हकीम वो दावा करते हैं कि आपके डायबिटीज़ जड़ी बूटियों से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल गलत है, कंट्रोल हो सकती है, इसके लिए मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। देखिए ये जो है एक चरक संहिता है, आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये चरक संहिता। इस चरक संहिता के में जो है डायबिटीज़ को मधुमेह को या पे रोका है, जिसका कि मतलब कोई क्योर नहीं है। या पे रोग में ये होता है कि उसका उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी टीवी पे प्रचार करते हैं या अखबार में प्रचार करते हैं या वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको बताते हैं कि वहाँ पर जो है भाई दवाइयों से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, वो आपको भ्रमित करते हैं, वो आपको गलत गाइड करते हैं, आप उस चक्कर में ना आए। इसमें यही नहीं आ कि भाई ये जो है चरक के माध्यम से आप देखें, सुश्रुत का ग्रंथ जो है ये भी बहुत बड़ा है। सुश्रुत के बारे में भी सभी जानते हैं, सुश्रुत संहिता में भी कहीं इसके क्योर के बारे में नहीं लिखा।
ऐसे ही जो है आप देखेंगे ये जो है काश्यप संहिता, मतलब ग्रंथ बहुत है आयुर्वेद में, इन्होंने भी कहीं नहीं कहा कि डायबिटीज जो मधुमेह है वो ठीक हो जाएगी किसी भी जड़ी बूटी से। और ये जो एक भेषज रत्नावली है इसमें जो है दवाओं के बारे में पूरा ज्ञान होता है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा कि जो है जड़ी बूटियों से डायबिटीज़ को, शुगर को, मधुमेह को जो है ठीक किया जा सकता है। तो आप ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए। हम लोगों ने ये ही नहीं, ये तो एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे चिकित्सा हो, चाहे हस्तांग हृदय में कोई भी हो, उसमें जो है इनका कोई उपचार नहीं है। तो इसमें जो है इसका सफल उपचार, मतलब हम लोगों ने इन सब का अध्ययन किया, और भी पैथीज में किया, कोई इसका ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं है। कंट्रोल कुछ हद तक कर सकती है, देखिए कोई भी दवा है उसके साइड इफेक्ट्स है जी, चाहे मेटफार्मिन लें चाहे कुछ भी है। तो जैसे काफ़ी डॉक्टर जो है किडनी ख़राब और फिर भी मेटफार्मिन चला रखी है, तो वो बड़ा गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई पैथी खराब है, पैथी सभी अच्छी हैं, सभी महान हैं, लेकिन क्योर डायबिटीज़ का जहाँ तक है उसका क्योर कोई नहीं है। और रहा डायबिटीज़ के बारे में, देखिए आप लोगों को भ्रमित ज़्यादा किया जाता है इस पर, मैं वही कह रहा कि यदि डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी तो 80% मेडिकल इंडस्ट्री का मुनाफा ख़त्म, क्योंकि डायबिटीज़ एक रोग नहीं, डायबिटीज़ ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। जब डायबिटीज़ आती है तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आती है। तो साइड इफ़ेक्ट का देखिए, इसका एक जो एक योजना जो डायबिटीज़ के माध्यम से लोगों को लूटने की है, आप देखिए क्या जाल है उसका। थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो आपको कहते हैं मीठा नहीं खाओ, ये फल नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, और आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है उसमें जो है और शुगर हाई आएगी। डायबेट्रॉन यूज़ करने के बाद आम खाइए आप दबा के खूब, कोई भी फल आप खाएं। यदि आप आयुर्वेद की दवा ले रहे होंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, एलोपैथी नहीं ले रहे, तो आप फल खा सकते हैं, आपकी शुगर आम खाने से भी नहीं बढ़ेगी। ग्लूकोज आपकी शुगर को बढ़ाता है। एलोपैथी की दवाइयाँ इस तरीके से सेट की हुई है, वो इस तरीके से सेटिंग है कि आप मीठा जो ही खाओगे आपकी शुगर हाई जाएगी। आपने ग्लूकोज लिया और आप देखेंगे शुगर बहुत हाई गई। फ्रुक्टोज लेंगे आपकी डाउन आएगी, लेकिन एलोपैथी से नहीं। एलोपैथी को छोड़ के कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे तो आप जो है देखेंगे कि आपकी फल खाने से शुगर नहीं बढ़ी, आम खाने से नहीं बढ़ी। डायबेट्रॉन पे हमने जो है रिसर्च किया है कि इसके यूज़ करते हुए आप आम खाओ, कोई भी फल खाओ, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो ये जो है आप फिर ये पूछोगे, देखिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ कि डायबेट्रॉन मशीन क्या है, क्योंकि आप फ़ोन करके पूछोगे कि भाई ये क्या है, कुछ आप हमें प्रमाण दीजिए कि कुछ हमारे शहर के लोगों के नाम बताइए कुछ, वो मैं सारे भ्रम आपको दूर कर देता हूँ। कोई डीलर का नाम बताइए, देखिए एक तो डीलर इसमें हम नहीं बनाते, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, ये एक आपका ट्रीटमेंट है। ये आप जो है यदि हम डीलर को दे देंगे, डीलर इसके बारे में क्या बताएगा, आपको क्या कॉम्प्लिकेशन है, डीलर को क्या पता है क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें डीलर कुछ नहीं, आप डायरेक्ट हमें फ़ोन करें, डायरेक्ट जो है आप इसको मंगवाएं, अपने कॉम्प्लिकेशन बताएं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा रहा कि किसी हमारे शहर में कि हम अहमदाबाद से बोल रहे हैं कि सूरत से बोल रहे हैं कि बॉम्बे से बोल रहे हैं, आप हमारे वहाँ के किसी का पता देंगे जिसने डायबेट्रॉन को यूज़ किया हो। तो देखिए एक मेडिकल प्राइवेसी होती है, उसके तहत हम किसी भी पेशेंट का नाम आपको नहीं दे सकते। किसी भी हॉस्पिटल में ये नहीं लिखा होता कि हमने इतने पेशेंट ठीक किए, वहाँ के पेशेंट थे, बोर्ड लगा दिया हो कि इतने जिए, इतने मरे, इतने ठीक हुए, कहीं नहीं लिखा होता। आप फेथ कीजिए, क्योंकि डायबेट्रॉन जो है आज की मशीन नहीं है, ये जो है इसको 18 साल हो गए लेकिन ये आप तक नहीं पहुंची। इसका इसके पीछे कारण है, इस डायबेट्रॉन को भारत में बड़े बड़े लोगों ने यूज़ किया है, बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों ने, कई मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, जजेस हमारे पेशेंट रहे हैं। और तो और
भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के मंत्रियों के गुरु और जो उनकी सत्ताओं को पलटते थे, नाम मैं नहीं लूंगा किसी का भी, क्योंकि भाई वही है मेडिकल प्राइवेसी और हर एक की अपनी अपनी एक व्यक्तिगत लाइफ है, वो हमारे पेशेंट रहे। एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, वो बोले मैं दवा कोई खाऊंगा नहीं, ये नहीं खाऊंगा, और वो उनको बड़े घाव हुए पड़े थे, काफ़ी टाइम की बात है। तो वो बोले कि ये तो जो है, हम बोले आप उपचार करो कुछ, बोले जो कोई उपचार है नहीं, ये हम खा नहीं सकते दवाइयों में, पता नहीं क्या होता है, और ये जो है प्रभु ने हमें दिया है कष्ट सहन करने के लिए, तो हमें करना ही है। तो ये उन गुरु की एक सोच थी। मैंने कहा देखिए, ईश्वर ने आपको कष्ट दिया, आपको रोग दिया, तो उसने कहा है कि तू अपना उपचार ढूंढ, जब आप अपना उपचार नहीं ढूंढ सकते तो दूसरे का उपचार क्या बताओगे। तो हमने कहा कि ये आपको घाव पड़े हुए, आपके शिष्य आएंगे, आपके जो भक्त हैं वो देखेंगे, तो एक घिंड भी आती है कि भी क्या सड़े पड़े, क्या घाव हुए पड़े पैर में, और जो है ये कुछ नहीं लगा रहे। मैंने ऐसा नहीं करें, वो जो है आपने हार मान ली है, आप इसको ठीक करें। बोले जी कोई उपचार नहीं है, ये नहीं है। हम बोले ये यूज़ करो आप डायवाट्रॉन, डायबिटीज ट्रीटमेंट मशीन। तो इसमें जो है वो उन्होंने यूज़ किया, ठीक हो गए। ये तुरंत असर करती है, कोई दवाइयों के महीनों के कोर्स चलाता है, कोई कितने कोर्स चलाता है, आप उस दवाइयों के हजारों हजार रुपए के खर्चों से बचेंगे, आप इंसुलिन के खर्चे से बचेंगे, क्योंकि इंसुलिन के भी साइड इफेक्ट है। कोई सोचता है कि इंसुलिन दे दे कंट्रोल हो जाएगी, उसके साइड इफेक्ट नहीं है। इंसुलिन लेते ही आपका जो है वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कईयों को जो है हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन करता है, शरीर में पानी रोकता है। लेकिन आप लोगों को भाई पता ही नहीं था कि भाई क्या इसका और उपचार हो सकता है, तो लाइफ सेव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा, चाहे साइड इफेक्ट से ही थोड़े साइड इफेक्ट झेलते हुए और आप उपचार ले रहे थे, लेकिन आप उनको कहिए बाय बाय, आप डायवाट्रॉन यूज़ करें। ये डायवाट्रॉन देखिए क्या कैसे फंक्शन करता है। इसमें से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे लगाई जाती है मशीन, इसके डिफरेंट चार एप्लीकेटर हैं। तो ये जो है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेगा, पेनक्रियाज के साथ साथ लिवर, देखिए पेनक्रियाज में कई बार फैट आ जाता है, फैट के कंप्रेशन से वो बीटा सेल्स भी कम काम करते हैं, लिवर भी में फैट है, तो ये उसको भी ठीक करेगा, आपका फैट डिजॉल्व करेगा, साथ में आपके जो बीटा सेल्स के साथ साथ आपका किडनी, लिवर, हार्ट और पेनक्रियाज, चारों ऑर्गन को ये जो है एक्टिवेट करता है। यानी कि आप टोटल सेफ हैं, 100% सेफ है, क्योंकि डायबिटीज़ आई है तो किडनी भी ख़राब होने के चांस रहते हैं, हार्ट क्लैप्स होने के चांस रहते हैं, लीवर ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो ये जो है उसको ठीक करेगी। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक डायवाट्रॉन प्लस है। डायवाट्रॉन प्लस क्या करेगा कि आपको, आप यदि ओवरवेट हैं, आप मोटे हैं, तो मोटे हैं तो क्या होगा कि आपकी जो डोजेस ले रहे हैं, जो दवा ले रहे हैं, वो मोटापा तो कम नहीं कर रही ना, मोटापा और बढ़ा रही है। आपका वेट बढ़ रहा है तो शुगर भी बढ़ेगी, कई केसेस में वेट लूज होता है। तो फिर जो है जिनको थायराइड है, थायराइड के साथ वेट भी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ भी हो गई, तो वेट कैसे घटाएं, चाहे आप एक चपाती खाएंगे, डाइटिंग करेंगे तो भी वेट बढ़ता है। तो जो डायवाट्रॉन प्लस है वो वेट भी रिड्यूस करता है। यानी देखिए कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रीटमेंट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसके जो है ये भी नहीं कि बहुत ही महंगा है, आप इतने तो एक दो महीने में दवाइयाँ खा जाते हैं, तो आप इसको मंगाएं, दवाइयों से, दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचें। ये 100% काम करता है, 100%। ये हमने बताया कि 18 साल से हम लोगों ने इसको यूज़ हम करा रहे हैं, काफ़ी पेशेंट हैं, बड़े बड़े पेशेंट, ये कुछ सालों से हमने आम पब्लिक के लिए भी उतारा कि भाई जो है इसको हर घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि आजकल हर घर में ही मैक्सिमम घरों में डायबिटीज़ एक दो को तो मिल ही जाती है। कई परिवार ऐसे थे जिनमें कि हेरिडिटरी चली आ रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि उस चक्कर में नारे पापा को थी, मम्मी को थी, तो हमें भी है हो गई, ऐसा नहीं है, उनकी भी ठीक होगी, आपकी भी ठीक होगी, और कंट्रोल तो पहले ही दिन से शुरू, कोई झूठे दावे नहीं है। तो इसमें हमने दिखाया आपको कि डायबिटीज़ का क्योर है, 100% क्योर है, आप निश्चिंत रहिए, और इसको आप सीधे ऑर्डर दे के मंगा सकते हैं। आपको इसके बारे में जो मैंने बता दिया उससे फालतू कोई बताएगा भी नहीं, और इतना ही जो है आपके लिए काफ़ी है।
और जितना आपने बताया मुझे लगता है कि मैं दर्शकों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट मुमकिन है, एक बेहतर ट्रीटमेंट मुमकिन है। कैसे कंट्रोल में आ सकती है? डायबाट्रोन मशीन के जरिए, जो आपके इम्यून लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सीधे जाके आपके बीटा सेल्स पर वर्क करता है, आपके पेंट्रियाज को कंट्रोल में रखता है, पेंट्रियाज लेवल को ठीक करता है और पूरी बॉडी पर वर्क करते हुए आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। डायबिटीज कंट्रोल में रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आपको तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस से बचना, चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ व्यतीत करना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डायबिटीज को लेकर सीरियस हो जाएं और उसे सही तरह से कंट्रोल में रखें। और कंट्रोल में आप कैसे रह सकते हैं? जब आप डायबाट्रोन मशीन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इसे आप ऑर्डर करें। कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपको यही नंबर्स पूरी तरह से जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब हमें चलने की दीजिए इजाजत, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार दर्शकों, टेक केयर। जी मेरा नाम ललित है और ये मेरी मदर शशि जी हैं, जो मैं इनको लेके आया हूँ डायबिटीज के लिए। इनको तकरीबन 4-5 साल से डायबिटीज है। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग ईस्ट दिल्ली वसुंधरा एन्क्लेव से आए। अच्छा, तो इनको, आपको ये डायबाट्रोन मशीन के बारे में कैसे पता लगा? हमने टीवी पे देखा था प्रोग्राम, तो हमको काफी उम्मीद लगी कि हम इसे जरूर आजमाएं और देखना चाहेंगे कि इससे 20 मिनट में शुगर कम होती है, और हमने ये पाया कि होती है। आप क्या कहेंगे, आपको मतलब कितने साल से शशि जी जो है आपको? 4-5 साल से है शुगर मेरे को। अच्छा, तो दवाइयाँ लेते थे कि इंसुलिन लेते थे? दवाई लेते थे हम, तो दवाइयों से कोई कंट्रोल नहीं हो रही थी? दवाइयों से रेगुलर लेते रहने से थोड़ा फर्क पड़ता था, पर ज्यादा नहीं, मतलब दवाई तो लेनी ही पड़ती थी। लेकिन तो, यहाँ आने के बाद में मशीन यूज करने के बाद में अच्छा लगा। पहले मेरी शुगर जो है 222 थी। मशीन लगाने से पहले चेक की थी यहाँ पे? मशीन लगाने से पहले चेक की थी तो 222 थी, लेकिन 20 मिनट ये मशीन लगाने के बाद में मेरी 137 हो गई। तो ये जो है, ये जो है, ये आपकी है 137 का जो ये? हाँ जी, ग्लूकोमीटर में आया हुआ है। हाँ जी, 137 मेरी है। तो यानी कि नॉर्मल हो गई आपकी? हाँ, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई तकरीबन। तो जो है, आप इस डायबाट्रोन के प्रयोग से, आप डायबाट्रोन से हम लोग संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा, काफी होपफुल है कि इससे अभी इसको हम यूज लगाता है करेंगे तो डायबिटीज जड़ से खत्म। हाँ नहीं जी, ललित जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वैसे भी जो है ये एनर्जाइज करेगी बॉडी को, और आप वैसे भी फिट रहेंगे, तो आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ जी, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप आए एक बार, आप आजमाए और आप खुद फर्क देखें, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से जूझ रहे हैं और चाहते हैं अपने रोग का जड़ से इलाज करना, तो आज भी संपर्क करें हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में। हमारे यहाँ रोगों का विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों द्वारा जड़ से इलाज किया जाता है। हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, B328 Sector 8 द्वारका, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110077, फोन नंबर 7042270412 और 8883600800, व्हाट्सएप करें 9643596206, ईमेल आईडी healmaxclinic@gmail.com, वेबसाइट www.healmaxclinic.com।